नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे स्लार क्रिएशन चैनल में। आज आपके लिए ये नई डिजाइन का थालपोश या डोरमेट लेकर के आई हूँ। आज आपको ये थालपोश या डोरमेट बुनना सिखाएंगे, इसे कैसे बुनना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। चौबीस फंदे हमने डाल लिए हैं। आप बड़ा डोरमेट बुनना चाहें तो दो दो फंदों के हिसाब से फंदे बढ़ा सकती हैं। पहले हम चोटी बुनेंगे, चोटी वाली डिजाइन पहले बुनेंगे। देखिए, फंदे डालने के बाद पहली सिलाई है और उल्टी साइड, सिलाई सीधी बुनेंगे। है उल्टी साइड लेकिन सिलाई सीधी बुनेंगे। एक फंदा हम ब्लैक से बुनेंगे, फिर देखिए ब्लैक वाला इधर लाएंगे, फिर एक व्हाइट से बुनेंगे, फिर व्हाइट वाला इधर लाएंगे, फिर ये फंदा ब्लैक से बुनेंगे, फिर ये व्हाइट से बुनेंगे, फिर एक ब्लैक, फिर एक व्हाइट। इस तरह से ये लाइन बुन लीजिए। लास्ट में एक फंदा हमारा व्हाइट का आएगा। देखिए, अब आ गए इसकी सीधी साइड पर। जो फंदा व्हाइट का है उसे व्हाइट से बुनेंगे लेकिन सिलाई अब उल्टी बुनेंगे। ये सीधी साइड है, सिलाई उल्टी बुनेंगे। ये धागा इस तरह लाएंगे इधर, और फिर ये ब्लैक वाला ब्लैक से बुनेंगे, फिर ब्लैक वाला इधर लाएंगे, व्हाइट वाला व्हाइट से बुनेंगे, फिर व्हाइट वाला इधर लाएंगे, ब्लैक वाला ब्लैक से बुनेंगे। इस तरह से ये लाइन भी बुन लीजिए। ये देखिए, चोटी वाली डिजाइन हमने बुन ली है। अब आगे इसकी उल्टी साइड पर। देखिए, उल्टी साइड में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 12 फंदे बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे। देखिए, अब बुनेंगे हम, फिर 12 फंदे बुनेंगे हम व्हाइट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब आ गए इसकी सीधी साइड पर। देखिए, सीधी साइड पर आ गए इसकी। सीधी साइड में कोई फंदा चेंज नहीं करेंगे। जो फंदे व्हाइट के हैं उसे व्हाइट से बुनेंगे, जो फंदे ब्लैक के हैं उन्हें ब्लैक से बुनेंगे। ये लाइन भी बुन लीजिए। अब आ गए इसकी उल्टी साइड पर। देखिए, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। उधर से फंदे हमने उल्टे बुने, जो फंदे जैसे थे वैसे ही बुन लिए हैं। इधर से भी फंदे हम बुनेंगे। देखिए, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदे बुनेंगे हम ये ब्लैक से। अब जो दो फंदे ब्लैक वाले हैं वो हम व्हाइट से बुनेंगे। देखिए, धागा इस तरह से लाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इधर से नीचे से दो फंदे छोड़ते जाएंगे, यहीं से सिलाई घुमा करके सीधी साइड में लाएंगे और जिस कलर के जो फंदे हैं उसी कलर से बुन लेंगे, व्हाइट वाले व्हाइट से, ब्लैक वाले ब्लैक से। फिर से आ गए इसकी उल्टी साइड पर। देखिए, एक फंदा ये बिना बुने उतारेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 फंदे बुनेंगे। फिर ये दो फंदे हम व्हाइट से बुनेंगे, 1, 2। फिर से नीचे में दो फंदे हम छोड़ेंगे। देखिए, लास्ट में पहले हमने दो फंदे छोड़े थे, फिर से दो फंदे छूटेंगे तो हमारे 4 फंदे लास्ट में छूट जाएंगे नीचे की साइड में। ये देखिए, दो फंदे हमने छोड़ दिए, हमारे 4 फंदे नीचे की साइड में छूट चुके हैं। यहीं से सिलाई घुमाएंगे सीधी साइड। सीधी साइड में व्हाइट वाले व्हाइट से, ब्लैक वाले ब्लैक से बुन लीजिए। ये 3 हो चुकी हैं, 1, 2, 3।
ब्लैक के फंदे हमारे पास 8 हैं। अब देखिए, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2, 3, 4 छह फंदे बुनेंगे, 5 और ये 6। अब यहीं से ये 2 फंदे हम यहीं से लाल कलर की ऊन जोड़ेंगे, ये देखिए रेड से 1 और ये 2। अब ये भी बुनेंगे, 3, 4 व्हाइट वाले बुनेंगे रेड से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखिए अब हमारे पास 6 फंदे छूट चुके हैं। यहीं से सिलाई घुमाएंगे हम सीधी साइड। देखिए लाल रेड वाले रेड से और ब्लैक वाले ब्लैक से बुन लीजिए। फिर से आ गए इसकी उल्टी साइड पर। देखिए एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, अब ये 4 फंदे, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे हमने ब्लैक से बुने, अब ये 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे, 1, 2 और रेड वाले रेड भी से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखिए फिर से हमारे ये 2 फंदे छूट चुके हैं। अब हमारे 8 फंदे छूट चुके हैं। यहीं से सिलाई सीधी साइड घुमाएंगे, रेड वाले रेड से ब्लैक वाले ब्लैक से बुन लीजिए। फिर से आ गए इसकी उल्टी साइड पर। देखिए अभी हमारे 4 फंदे ब्लैक के हैं, ये फंदे हम अब व्हाइट से बुनेंगे। जब 4 फंदे रह जाएंगे तब ये फंदे व्हाइट से बुनना है, 1, 2, 3, 4 और रेड वाले भी हम व्हाइट से बुनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। देखिए अब इधर हमारे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 फंदे छूट चुके हैं। यहीं से सिलाई घुमाएंगे सीधी साइड। देखिए व्हाइट वाले व्हाइट से बुन लीजिए। फिर से आ गए इसकी उल्टी साइड पर। देखिए एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, जहां तक व्हाइट के फंदे हैं व्हाइट से बुनेंगे। अब कोई फंदा हम छोड़ेंगे नहीं, जहां तक व्हाइट के फंदे हैं वहां तक हम व्हाइट से बुनेंगे। अब यहां कोई फंदा हम नहीं छोड़ेंगे, यहीं से वापस सीधी साइड में होंगे। सीधी साइड में जिस कलर के देखिए व्हाइट के फंदे हैं व्हाइट से बुन लीजिए। अब आ गए इसकी उल्टी साइड पर। देखिए अब हम 4 फंदे फिर से ब्लैक से बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। 4 फंदे ब्लैक से, अब रेड से बुनेंगे हम। ये देखिए 1 जहां तक हमारे फंदे छूटे हुए हैं, 2 व्हाइट वाले रेड से बुनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए यहां पे गैप ज्यादा, इसलिए हम ये गैप कम करने के लिए यहां से फंदा उठाएंगे और फिर 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। फिर ये एक फंदा जो है इसे भी हम बुन लेंगे। फिर यहीं से सिलाई घुमाएंगे सीधी साइड, रेड वाले रेड से और ब्लैक वाले ब्लैक से बुन लीजिए। फिर से आ गए इसकी उल्टी साइड पर। अब देखिए इधर से ये रेड वाले हम ब्लैक से बुनते जाएंगे, 2-2 फंदे लेते जाएंगे हर बार उल्टी साइड से, 1, 2, 3 और ये 4। 2 फंदे इधर से लेंगे, 5 और ये 6। अब देखिए अब रेड वाले यहां रेड से बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 फंदे इधर से लेंगे, 12 फंदे हो जाएंगे, 11 और ये 12। यहीं से सिलाई घुमाएंगे हम सीधी साइड। जिस कलर के जो फंदे हैं उसी कलर से बुन लीजिए। ये देखिए रेड की हमारी 2 लाइनें थी, इधर भी हमारी रेड की 2 लाइनें हो चुकी हैं। देखिए ब्लैक के फंदे हम 2 फिर से लेंगे, ब्लैक वाले रेड वाले ब्लैक से बुनेंगे। देखिए 3, 4, 5, 6 2 इधर से, 7 और ये 8। अब रेड वाले हम
व्हाइट से बुनेंगी। एक, दो, ये देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, इधर से दो लेंगे, ग्यारह और ये बारह। यहीं से वापस सीधी साइड में जिस कलर के जो फंदे हैं उसी कलर से बुन लेंगे। फिर देखिए, फिर उल्टी साइड में आएंगे तो दो इधर से लेंगे। जब हमारे व्हाइट वाले बारह फंदे इधर से, दो इधर से लेते जाएंगे, व्हाइट वाले बारह और ब्लैक वाले बारह हो जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अब फिर से हम ये चोटी से यही डिजाइन फिर से चोटी बुनेंगे, यही डिजाइन फिर से दोहराएंगे। देखिए, पहले हमने चोटी बुनी थी तो ब्लैक के हमारे सारे फंदे थे, अब हम चोटी बुनेंगे तो व्हाइट के और ब्लैक के। देखिए, दो कलर के हमारे फंदे हैं। अब एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर एक फंदा, देखिए अब फंदे हम सीधी साइड, एक फंदा हम देखिए व्हाइट से बुनेंगे, व्हाइट से बुनेंगे। उल्टी, देखिए उल्टी साइड है लेकिन फंदे सीधे बुनेंगे। एक फंदा ब्लैक से, एक फंदा व्हाइट से, फिर एक फंदा ब्लैक, एक व्हाइट, फिर एक ब्लैक, फिर एक व्हाइट। इसी तरह से ये डिजाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये डोरमेट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। बारह कली हमने बुन ली है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। देखिए, शुरुआत हमने ये डिजाइन से की थी, लास्ट में ये डिजाइन हम नहीं बुनेंगे, चोटी वाली डिजाइन हम लास्ट में नहीं बुनेंगे। अब फंदे हम घटाएंगे, दो फंदे का एक फंदा इस तरह से करते जाएंगे, फिर फंदा लेंगे, ये फंदे हम इस तरह से घटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब उल्टी साइड से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, सिलाई आपको कैसे करनी है, इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों तरफ से फंदा लेंगे, तरह से सिलाई करते जाना है। के सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सिलाई भी हमने कर ली है। अब इस छेद को भरने के लिए, देखिए हमने क्रोशिया से इस तरह से गोल आकार में बुना है, आप सिलाई से बुनना चाहें सिलाई से भी बुन सकती हैं। इसे इस तरह से रख करके सिलाई करनी है, सुई से इसकी सिलाई करने के बाद फिर इसके ऊपर ये फूल लगाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिले।